अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे भी आपको जानकारी होना चाहिए क्लोराइड शिफ्ट किसे कहते हैं। अब देखो सबसे पहले तो क्लोराइड शिफ्ट का एक और नाम है हेमरोलोबिना। अब देखो बिल्कुल सामने मैंने यहाँ लिख दिया है और इसी को यदि आरेख के रूप में देखना है तो यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले आप इसको इधर देखिए कि CO2 का जो परिवहन देखा है हमने, उस CO2 के परिवहन के कारण RBC के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, इसके कारण क्लोराइड आयन की शिफ्टिंग होती है। इस शिफ्टिंग को क्या कहा गया, क्लोराइड आयन शिफ्ट। अभी शिफ्टिंग की आवश्यकता क्यों हुई, देखिए शरीर में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है या संचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसके कारण क्या होता है, ये मालूम है भोजन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर अब ये CO2 कहाँ चली जाएगी, प्लाज्मा में, उसी में घुली हुई रहेगी। फिर इसके कारण क्या होगा, ऊतक द्रव से ये CO2 कहाँ जाएगी, आरबीसी में। अब आरबीसी में क्या हो जाएगा, कार्बोनेट आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इस कार्बोनेट आयन की संख्या बढ़ने के कारण आरबीसी का पीएच मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस पीएच मान को बैलेंस करने के लिए जो प्लाज्मा से क्या होगा, ये HCO3 आयन RBC से कहाँ आ जाएंगे, प्लाज्मा में आ जाएंगे। अब प्लाज्मा से फिर बैलेंस इम्बेलेंस होगा, इसलिए क्लोराइड आयन कहाँ चले जाएंगे, RBC में। कार्बोनेट की संख्या बढ़ी, इसके कारण पीएच मान बढ़ गया और पीएच को बैलेंस करने के लिए कार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। इसी को क्या कहा गया, क्लोराइड शिफ्ट। अब इसको देखो आरेख के रूप में देखिए आप, ये प्लाज्मा है, ये क्या है, आरबीसी। ये प्लाज्मा में ये लिखा हमने वो जो पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड विघटित हुई जो प्लाज्मा में पहुंच गई ऊतक द्रव में, ये है। अब ये कहाँ चली गई, आरबीसी में। ये लिखा हमने कि आरबीसी में कार्बोनेट आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, CO2 प्लस H2O कार्बन, ठीक। अब ये संख्या बढ़ी, ये तो कार्बोनिक आयन है और ये हमारा रक्त है, रक्त के अंदर जो भी है उसने क्रिया करी, हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना, ठीक। अब देखो ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या हुआ, इससे पहले यहाँ देखो प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, कल हमने बात करी थी। अब बाहर की तरफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, आयन टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। अब इस HCO3 के कारण, इसके कारण RBC का पीएच मान क्या हो गया है, यहाँ पर बढ़ गया है, इसलिए ये कार्बोनेट आयन कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं पीएच मान बढ़ने के कारण। अब अंदर निगेटिव आयन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही क्या होना चाहिए, निगेटिव आयन। तो ये HCO3 आयन RBC से निकल कर प्लाज्मा में आया, तो उदासीनता बनाए रखने के लिए, आयनों की संख्या बराबर रखने के लिए क्या होता है, प्लाज्मा से क्लोराइड आयन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, आरबीसी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही क्या कहलाया, क्लोराइड शिफ्ट। और बिल्कुल शॉर्ट में क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये सिर्फ ये दो लाइन लिख सकते हो आप कि आरबीसी से कार्बोनेट आयन HCO3 बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में जाते हैं और बैलेंस बनाने के लिए क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चूंकि क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहे हैं पीएच, बढ़े हुए पीएच को बैलेंस करने के लिए, इसलिए यही क्या कहलाया, क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो, या तो बोलिए आप ये करो अपने शब्दों में करने के लिए ये, और ये याद है तो
तो ये आप अपने आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है AHB, ये रक्त के, ये हीमोग्लोबिन है और ये पोटेशियम है। yes. बस ये लिख रखा है कि इसका H और ये HB, HHB और ये K बचा हुआ H KHCO3। इससे कंफ्यूज नहीं होना, एकदम लगा के ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखोगे यही मिल जाएगा। फिर ये KHCO3 जो क्लोराइड आया था, हम क्या करें, पोटेशियम क्लोराइड बनाया और ये कार्बोनेट आयन, और ये कार्बोनेट आयन बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।